कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। आज बढ़िया रफ्तार रही हथौड़ी। जरा जल्दी नीचे आना दीनी। कहिए मम्मी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, उसी के लिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है। पता है शिंजो एक हफ्ते से मुझे कपड़े धोने नहीं दे रहा। खुद भी नहीं धोता, काम चोर कहीं का। अभी जाकर उसके कान खींचता हूँ और पूछता हूँ। देखो उसे डांटना मत, बस आराम से पूछना। हाँ, फिक्र नॉट मम्मी। अब क्या कर रहे हैं भले भाई? मेरी छोड़ो, अपनी देखो। तुम आजकल क्या कर रहे हो? जब देखो इन गंदे बदबूदार कपड़ों में घूमते रहते हो। हम गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पहले ये बताओ कि तुमने अपने कपड़े पिछली बार कब बदले थे? एक दिन पहले बदले थे? शिंजो जवाब दो। एक हफ्ते पहले? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक निंजा को हमेशा साफ रहना चाहिए शिंजो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भले भाई। लो, तुम्हारे पास अभी भी कितने कपड़े हैं? पहले जरा आप इसे ध्यान से देखिए। अरे, तुम्हारे इन कपड़ों पर फूल क्यों है, यू डैम फूल? मैं ईका शहर का निंजा हूँ और मैं ऐसे लड़कियों वाले कपड़े नहीं पहनूंगा, कभी नहीं। शिंजो, ब्यूटीफुल फूल। हाँ, इसकी जगह मैं होता तो कभी नहीं करता। लेकिन ये फूल बनाए किसने? कुछ दिन पहले सोनू यहाँ आई थी ना। जरूर उसी ने ये फूल पत्ते बनाए होंगे। बेवकूफ लड़की है, कुछ समझती नहीं है। पर एक हफ्ते में ये रंग खराब कैसे नहीं हुआ? सही बोला। जो नहाते नहीं है वो बहुत गंदे होते हैं, उसे ये पहनने का कोई हक नहीं। वैसे कुछ भी कहो, मुझे लगता है कि शिंजो रंग बिरंगे कपड़ों में बहुत प्यारा लगेगा। वो तो है, चलो उसे पहनाते हैं। हमें किसी तरह उसे ये कपड़े पहनने के लिए मनाना होगा। हम उसे मनाएंगे नहीं, जबरदस्ती ये कपड़े पहनाएंगे। सही बोला, सही बोला। चुपचाप पहन लो तो बेहतर होगा शिंजो, वरना हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेंगे, समझे? मैं नहीं पहनूंगा। पर क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं? मुझे ऐसे कपड़े पहनने का शौक नहीं है जिसमें केमिकल के रंग लगे हो, उससे मेरी स्किन खराब हो जाती है। देखो, मुझे मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते भाई। पहले समझाया था, अब मैं तुम पर निंजा टेक्निक इस्तेमाल करूंगा। ये क्या किया? आवाज मत करो, इस वक्त वो मेरे निंजा टेक्निक में फंसा हुआ है। तो शिंजो, तुम्हें गर्मी लग रही है, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और इन दिनों बहुत गर्मी है। आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। ऐसे में शिंजो, तुम्हारा कपड़े उतारने का मन कर रहा है। मुझे कपड़े उतारने। तो जल्दी से सारे कपड़े उतार दो शिंजो। चलो अब तुम एकदम नंगो पंगो हो जाओ। निंग निंग निंग। मुझे कपड़े उतारने। हमने कर दिखाया। ये पहन लो। बच्चों, नाश्ता तैयार है। अभी आए? ओ नहीं। मेरे कपड़े कहाँ गए? जरूर आप ही ने कोई चक्कर चलाया होगा ना भाई। देखो, पूरी बात तो सुन लो शिंजो। हाँ, मुझे नहीं सुनना। क्या बात है बच्चों, तुम लोग नाश्ते के लिए नहीं आए? हाँ, शिंजो दिखाई नहीं दे रहा। मम्मी, वो हमने उसके कपड़े उतरवाए तो वो नाराज होकर ऊपर बैठ गया। तो ये बात है। ठीक है, मैं उसे पहना दूंगी। नहीं पहनेगा। मैं सबसे कट्टी हूँ। शिंजो, देखो मैं क्या लाई हूँ। आप जो भी लाए हो मैं वो नहीं पहनूंगा। एक बार आंखें खोलकर देख तो लो कि क्या है। मैंने बोला ना, मुझे वो पसंद नहीं है। जरा ध्यान से तो देख लो। अब बताओ शिंजो, क्या ये भी पसंद नहीं है? बहुत अच्छे दिख रहे हो। थैंक यू मम्मी, मेरी तो निकल पड़ी।
शुक्र है, मान गया। हो गया समझौता। दोस्तों, गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए नहाना चाहिए। अरे मैं अपना फटा हुआ लंगोट तो बाहर ही भूल गया, किसी ने अगर देख लिया तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अपना फटा हुआ लंगोट खुद ही सी लूंगा, मम्मी को कहते हुए बहुत शर्म आती है। डिंग डिंग। अरे ये लंगोट पर फूल पत्ते, ये क्या? मैं नंगू पंगू तो नहीं घूम सकता, इसलिए मजबूरन ये फूल वाला लंगोट ही पहनना पड़ेगा। पर किसी ने देख लिया तो एक फूल वाला लंगोट। मजा आ गया। उसमें कहाँ फूल है वाला क्या? शिशि मानो मैंने बिल्कुल वैसा ही फूल बनाया है ना। ओ, मानना पड़ेगा। अब भाई समझेंगे मैं क्यों चिल्लाया था। डिंग डिंग। एक निंजा के लिए फूल वाले कपड़े पहनना वाकई में बहुत शर्मनाक बात है।